हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, पूरी वॉच कीजिए वीडियो को। और फ्रेंड्स, ये आज सुबह का ही मौसम है, कल और परसों से मौसम आज फिर भी ठीक है, थोड़ी सी धूप भी निकल रही है और कोहरा भी थोड़ा ही है हल्का, लेकिन कल और परसों तो बहुत ज़्यादा कोहरा था। परसों तो बारिश हुई थी आपको पता ही है, लेकिन कल बहुत ज़्यादा कोहरा था, धूप भी नहीं निकल रही थी, लेकिन आज तो हल्की सी धूप निकली हुई है, निकल रही है और जा रही है, लेकिन हाँ कोहरा नहीं है ज़्यादा और ना ही ज़्यादा हवा चल रही है, इसलिए ठीक है मौसम फिर भी कल या परसों से। मेरी सर्दी भी थोड़ी ठीक हो गई है क्योंकि ये दवाई ले आए थे, तो इससे मुझे फ़ायदा है। और मेरा फीवर मतलब बुखार भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, मुझे रात भर परसों के दिन बुखार चढ़ा रहा, तो उससे मेरी हालत भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो बस, और सिर दर्द हो रहा था सबसे बड़ी बात, तो ये डॉक्टर से फिर ये दवाई लेकर आए हैं, तो बस उन्होंने ये दवाई से मुझे फ़ायदा भी पड़ गया। तीन खुराक थी, मतलब एक दिन की दवाई लेकर आए थे, ज़्यादा और बोल रहे थे, तो मैंने कि नहीं एक दिन की, क्योंकि बहुत सारी डॉक्टर गोली देते हैं, आपने देख ली कितनी सारी गोली दी है उसने टैबलेट, तो बस अच्छी नहीं लगती इसलिए। लेकिन क्या करें, यहाँ पर रिया भी खा रही है अपनी टैबलेट, ये देखिए इन्हें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है खाने में, तो इनके लिए भी बस एक दिन की खुराक मंगाई थी, जो भी हमने कि इससे देख लेती हूँ फ़ायदा पड़ जाएगा, ठीक, नहीं तो फिर डॉक्टर को अच्छे से दिखाएंगे। और ये देखिए इतनी धूप निकल रही है आज, लेकिन धूप लग नहीं रही है, निकल तो रही है। और यहाँ पर मम्मी लगा रही हैं मंगला का दूध, तो बस यहाँ पर दूध लगा रही थी, तो मैं यहाँ पर धूप में बैठी हुई थी क्योंकि ऊपर तो गई नहीं, मैं इतनी ऊपर जाओ और फिर धूप नहीं निकलती तो फिर वापस आओ, इसीलिए मैं देखी है, तो बस वहीं पर बैठी हुई थी। तो ये रिचा ने ये वीडियो ले लिया है, नहीं तो ये रात में लगाती हैं, बहुत रात में तो अंधेरा आता है, बिल्कुल काला काला वीडियो आता है, इसलिए मैं आप लोगों को गाँव मिलकर नहीं दिखाती। और ये गाय मेरे से लगती भी नहीं है, अगर मैं लगाती हूँ तो बहुत तेज़ मारनी पड़ती है, और ये इसका दूध भी मुझसे नहीं निकलता, इसलिए मैं इन दोनों गाय को नहीं लगाती, सिर्फ गौरी का ही दूध निकालती हूँ मैं। तो वो क्या पता कैसी गाय है, समझ में नहीं आता मुझे तो, नहीं तो गौरी बहुत अच्छी है, उसका दूध जरा में निकलता है, कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं होता। और मम्मी भी नहीं निकाल पाती, लेकिन फिर क्या करें, यहाँ पर कोई गाय का दूध निकालने वाले भी नहीं मिलते, इसलिए जिस तरीके से वो निकाल लेती हैं वो लगा लेती हैं, अब क्या करें। और ये देखिए इतना दूध लग गया है, मतलब ये भी दे देती है आराम से, अच्छा जितना हमारा लोगों का काम चल रहा है उतना दूध तो ये दे ही देती है। और बूढ़ी परमा तो अच्छे से लग जाती है, लेकिन उसका भूख क्या पता क्यों मुझे उससे डर लगता है, इसीलिए उसका मैंने दो तीन दिन तो निकाला उसका दूध, लेकिन अब नहीं निकालती हूँ मैं, लात उठाती है बहुत ज़्यादा और मार सिर से भी बहुत ज़्यादा मारने लगती है, इसीलिए मैं उसका दूध नहीं निकालती हूँ। मम्मी निकालती हैं तो बहुत रात में निकालती हैं, तो उसका वीडियो भी नहीं बना पाती हूँ मैं, आज ये दिन में निकाल रही थी, इसके सुबह नहीं लगी, बहुत ज़्यादा उठा रही थी, तो फिर सुबह इसको लगाया नहीं है, तो मम्मी भी दिन में ही लगा रही थी, मतलब समय हुआ होगा 2-2:30 बजे होंगे, तभी अभी का ही है ये वीडियो, तो अभी लगा रही थी, तो फिर मैंने कि चलो काऊ मिल्किंग का आप लोगों के साथ आज का वीडियो शेयर करती हूँ, नहीं तो आज भी मैं आप लोगों को वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि मुझे सर्दी थोड़ी है, लेकिन सिर थोड़ा हल्का सा दर्द है इसीलिए, और मैंने कुछ वीडियो बनाई भी नहीं, सही बताऊँ तो मैंने कोई भी वीडियो आज नहीं बनाई, तो मैं इसलिए नहीं डाल रही थी। लेकिन फिर मम्मी गाय लगा रही थी, तो मैंने कि चलो आज काउ मिल्किंग का आपको दूध लगाने का वीडियो शेयर करती हूँ। तो आप लोग ये देखिए मम्मी उस काना ने उसको छोड़ दिया है, सॉरी संतोषी को, क्योंकि दूध पीना है उसको भी, छोटी है अभी तो उसको भी दूध पिलाना ज़रूरी है, भूसा तो खाने लगी है वैसे, लेकिन फिर भी उसको भी दूध छोड़ना ज़रूरी है, तो बस यहाँ पर इतना ही दूध लगाया है मम्मी ने और उसको पिला देंगे। और बस अब यहीं पर करती हूँ मैं अपना वीडियो एंड, कल मिलूँगी नई वीडियो के साथ, बाय।